हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गाड़ी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वेस्टर्न B70 25 मॉडल। इसका एक पायलट पार्किंग ऑटो पार्किंग सिस्टम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप किस तरह से इसका ऑटो पार्किंग सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। वेरी इजी है, लेकिन उसमें नॉलेज ना होने की वजह से सम टाइम जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसका पता नहीं चलता कि सम टाइम वो आप ट्राई करते हैं तो पार्किंग जो स्विच है वो काम नहीं करता। उसमें मोस्टली रीजंस यही होती हैं कि प्रॉपर तरीके से हमें ऑपरेट करना नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं। गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद इसकी बेल्ट जो है वो आपने ज़रूर लगानी है और बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे इसके ये स्विचेस लगे हुए हैं, ऑटो स्टार्ट, ऑटो पार्किंग और इसका जो है कैमरा का। तो यहाँ से हम ऑटो पार्क स्विच प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे ये फीचर्स डिस्प्ले हो जाते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे पार्किंग मोड कि गाड़ी आपने किस तरफ लगानी है, लेफ्ट साइड पे लगानी है, राइट साइड पे लगानी है या स्ट्रेट बैक लगानी है। तो हमारे पास जो स्पेस है वो राइट साइड पे है। पार्किंग सेलेक्ट करेंगे राइट, प्लीज ड्राइव फॉरवर्ड टू सर्च फॉर पार्किंग स्पेस। तो अभी हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे और यहाँ पे देखिए ये ऑटो सर्च कर रही है इसकी पार्किंग स्पेस को। यहाँ पे देखें द पार्किंग स्पेस हैज़ बीन फाउंड, प्लीज मूव ऑन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ पे भी देखें 2 सेकंड के लिए इसका जो पार्किंग स्विच है वो हम प्रेस करेंगे। और उसके बाद इसकी ब्रेक जो है हम रिलीज कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है हमारी वो ऑपरेट हो रही है। और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ये पार्किंग में कन्वर्ट हो गई है और पार्किंग स्विच जो है इसका वो भी लाइट ऑफ हो गई है। अभी मैं बाहर से भी आपको इसके स्पेस चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखें गाड़ी बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो पार्क हुई है लेफ्ट साइड से और इसी तरह से राइट साइड से।